हेलो फूडीज, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज देखते हैं मशहूर हल्दीराम जैसे मूंग दाल नमकीन घर में आसानी से कैसे बनाएं। जी हाँ, वही मूंग दाल नमकीन जो से लेके बड़े तक को बहुत पसंद आता है। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हल्दीराम जैसे मूंग दाल नमकीन स्नैक घर में कैसे बनाएं। सामग्रियों का लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम पीली मूंग दाल लेंगे, जिसे हमें अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेना है। आप 2 से 3 बार इसे अच्छी तरह से धो सकते हैं। उसके बाद हमें पानी अलग करके इसे एक पतीले में डालकर दाल को कम से कम 3 से 4 घंटों तक भिगो के रखना है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। इससे भिगोने के बाद दाल बहुत अच्छी तरह से फूले फूले और नरम हो जाते हैं और तलने के बाद भी काफ़ी क्रिस्पी लगते हैं। 4 घंटे हो चुके हैं, आप देख रहे हैं दाल अच्छी तरह फूल चुके हैं। अब हमें इसे पानी से अलग करना है और अब दाल को हमें अच्छी तरह सूखा लेना है। इसे कम से कम 1 घंटा लगेगा अच्छी तरह से सूखने के लिए। आप 1 से 2 प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप दाल को अच्छी तरह से फैलाकर जल्द से जल्द सूखा सकें। आप इसे पंखे के नीचे रखेंगे तो ये और भी जल्दी से सूख जाएगा। तलने से पहले हमें दाल को सूखा लेना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए तलने के बाद। ये देखिए 1 घंटे के बाद दाल अच्छी तरह से सूख चुके हैं, हर एक दाना सूखा लग रहा है, कोई पानी नहीं है। अब हमें इसे तलना है। मूंग की दाल आकार में छोटे होते हैं तो हम इसे सीधे गरम तेल में नहीं तलेंगे, हमें इन्हें एक छन्नी में डालकर तलना होगा। ध्यान में रहे छन्नी प्लास्टिक का ना हो, छन्नी मेटल का ले और कोशिश करें कि छन्नी का हैंडल बड़ा हो जैसे कि आप देख रहे हैं, ताकि आपको तलने में आसानी हो सके। तेल मध्यम से धीमी आंच में ही रखें। तो तेल इस वक्त गर्म है लेकिन तलने से पहले मैं आंच धीमी कर लूँगी। तल के रखने के लिए मैंने यहाँ पे प्लेट में टिश्यू पेपर रख दिया है। ये देखिए थोड़ा सा मूंग दाल मैंने छन्नी में रख लिया है। अब हम धीरे से इसे गर्म तेल में डालेंगे। हर 1 से 2 मिनट में हमें इसे थोड़ा सा चलाते रहना है चम्मच से, बड़े ही ध्यान से मध्यम से धीमी आंच में हमें इसे कुरकुरे होने तक तलना होगा। ये मैंने पहला बैच तल के तैयार कर लिया है। आप देख ही सकते हैं इसका रंग सुनहरा हो गया है और ये काफ़ी क्रिस्पी भी लग रहे हैं। इस प्रकार आप बाकी के मूंग दाल भी गरम तेल में तल लीजिए और अच्छी तरह से इनका तेल निकल जाने तक टिश्यू पे ठंडा होने रख दें। अब देखिए इनका सारा तेल निकल चुका है, ये पूरी तरह सूख चुका है। अब हमें इनमें नमक मिलाना पड़ेगा, तो मैं इसे एक पतीले में डाल रही हूँ। अब अपने स्वाद अनुसार आप नमक मिलाएं। अगर आपको ज़्यादा नमकीन पसंद है तो नमक की मात्रा ज़्यादा मिलाएं। नमक डालकर अच्छी तरह से मूंग दाल में मिला लें और इन्हें एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हैं। थाना आसान हल्दीराम या हलवाई जैसे नमकीन घर में बनाना ट्राई करके कमेंट में बताइए कि आपको ये व्यंजन कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो
तो वीडियो को करें लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नए दर्शक, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए करें वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल पे टैप। जल्दी मिलते हैं एक बढ़िया से रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।